आरजेसी न्यूज़ हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। मुरादाबाद के कांट रोड स्थित अकबर के किले के बराबर भूमि को लेकर अकबर की उनके अनुसार उनको कुछ भूमाफिया परेशान कर रहे हैं। भूमाफिया लगातार उक्त भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर क्यूम द्वारा पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से गुहार लगाई गई है कि उक्त भूमि के संबंध में जांच कराते हुए भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले में अकबर क्यूम ने पुलिस के आला अधिकारियों से गुहार लगाई है। अकबर क्यूम ने बताया, मैंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि जहां भूमाफिया लगातार उनको परेशान कर रहे हैं, तो वहीं थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि उक्त भूमि का कब्जा दूसरे पक्ष को दिया जाए, जबकि इस भूमि के मामले में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। भूमि पिछले 20 साल से अकबर क्यूम के कब्जे में है। उन्होंने इसकी रजिस्ट्री भी कराई थी। अकबर क्यूम ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए आगे बताया कि इस संबंध में जब थाना सिविल लाइन राजेश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, कानून का पालन करते हुए इस मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। मैं कांट रोड पर मुनकपुर में मकान है मेरा, जो कि अकबर किले के नाम से मशहूर है। मेरी जायदाद का मुकदमा अदालतों में पेंडिंग है, परंतु पुलिस थाना सिविल लाइन बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के जबरन में हस्तक्षेप जबरन लेना छीन कर अपोजिट पार्टी को देना चाहती है, जिससे आपका विवाद चल रहा है। जी अच्छा, कौन लोग हैं वो? कौन लोग? वो भूमाफिया हैं। कुछ नाम तो होगा, उनका नाम बताइए। सुनीता सिंगल, श्रीमती सुनीता सिंगल। आज उन लोगों के साथ कई लोग तो इस सिलसिले में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो भी थाने पे गए थे रात को, सिविल लाइन थाने पे, वहाँ क्या हुआ आपको? हमारे डॉक्यूमेंट नहीं देखे गए थाना सिविल लाइन के अधिकारी थे, डॉक्यूमेंट नहीं देखे गए, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और हमसे ये कह दिया कि भाई आप जगह को खाली कर दीजिए, जो कि 20 साल से कब्जा चला आ रहा है। तो आपने उनसे ये सवाल नहीं किया कि किस आधार पर वो खाली करने को कह रहे हैं? कोई कोर्ट का पार्टी बनने की आवाज में दी गई थी, जो कि खारिज हो गई। उन पे कुछ ऐसे कागज हैं जो वो अपने आप को मालिक साबित कर रहे हैं? वो लोग कोर्ट का आदेश नहीं, कोई उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं है। तो किस आधार पर पजेशन चाहते हैं वो लोग? बस अपनी गुंडागर्दी के आधार पे चाहते हैं। कब कोशिश करी गई है पोजीशन लेने की? कब कोशिश करी गई है पोजीशन लेने की? बीच में आते रहते हैं। हमने हाल में बताइए, मतलब जो आप इस समय बता रहे हैं, ये कब की घटना है? कल की, आज की, कब? 3-4 दिन की बात की है। और रात थाने अधिकारियों ने हमसे ये कह दिया कि भाई आपका कब्जा छोड़ दीजिए, जो आपका नहीं है, और आप हम जो है दूसरे को अपोजिट पार्टी को कब्जा दे देंगे। कौन से अधिकारी? इंस्पेक्टर सिविल लाइन। प्रेजेंट में उस पर पोजीशन किसका है? हमारा है, 20 साल से चला आ रहा है, तहसील के रिकॉर्ड में हमारा नाम चल रहा है 20 साल से। तो 20 साल पहले आपने ये जमीन किसी से खरीदी थी क्या? खरीदी थी हमने, विनीत किशोर जी। कागजात हैं आपके पास? उसके रजिस्ट्री है हमारे पास, दाखिल खारिज है हमारे नाम पेपर के कारण। ये इसका इस मामले में कोर्ट में क्या आदेश किए हैं इस वक्त? ये जो है कोई आदेश नहीं है कोर्ट का, और इसके अंदर दाखिल खारिज है ऑलरेडी, तहसील के अभिलेखों में जो है दर्ज। मौजूदा स्थिति में क्या पोजीशन है कोर्ट के आधार पर? कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। आपने जो पत्रकार वार्ता बुलाई है, इसमें मुख्य बात क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस पर चाहते हैं कि वो कृपया देखकर हमारा रिकॉर्ड चेक करके हमें अपनी जगह से ना हटाया जाए।
मतलब आपको इंसाफ मिलना चाहिए। किस किस अधिकारियों से आप मिल चुकी हैं जहाँ से आपको न्याय नहीं मिला, बात नहीं सुनी गई? साहब से ही मिल चुके हैं और सीओ सिविल लाइन से मिल चुके हैं। अब आप क्या चाहते हो इस मामले में? हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी जगह हमारे ना छीनी जाए। अगर वो लेना चाहते हैं तो कोर्ट का आदेश लिया है, हम दे देंगे जगह अगर कोर्ट का आदेश उनके फेवर में, बिना किसी कोर्ट के आदेश के हम जगह कोर्ट जिसके फेवर में आदेश करेगी आप राजी हैं। नहीं, अगर मान लीजिए हायर कोर्ट में जाएंगे। सर, कांट रोड स्थित अकबर किले के बराबर में अकबर कयूम की एक भूमि है जो उन्हीं के कब्जे में है। उनका आरोप है कि कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, दबंगी दिखा रहे हैं कि जमीन हमारी है। पुलिस भी इस मामले में सिविल लाइन पुलिस भी उनसे वो कर रही है। क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की अगर कोई कंप्लेन है तो उनकी कंप्लेन आएगी, उसकी जांच कर जो भी विधिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। इतना कि ये भी कंप्लेन हमारे संज्ञान में नहीं है, उनकी अगर कोई इतना की कंप्लेन है तो संज्ञान में आएगी। हम लोग जो उसकी विधिक सलूशन है राजस्व टीम और पुलिस मिलकर जो भी उसका विधिक सलूशन है वो निकालेंगे। थैंक यू।